यार देखो, हम तो ठहरे आलसी। हमसे तो होगा नहीं कि ऊपर स्वाइप करे, फिर इसके बाद ऐप्स के बीच में इंस्टाग्राम को ढूंढे, फिर उसके बाद उस पर क्लिक करे, ओपन करे। बकवास। हम तो बस ऊपर स्वाइप करते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर आई लिखते हैं, फिर इसके बाद इंस्टाग्राम अपने आप ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पर डब्ल्यू लिखते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, एफ लिखे तो फेसबुक ओपन हो जाएगा। बहुत आसान है यार। बाय द वे, इट्स अपन #A1। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए यार। सब्सक्राइब कर देना भूलना मत, ऐसा नहीं करना कि मतलब कि काम बनाओ निकल लिए, नहीं भाई, ऐसा मत करना, ठीक है? सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज। तो ये सब होता है एक ऐप के थ्रू, ठीक है? तो ऐप को डाउनलोड करना आसान है, आपको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है? लेकिन उस ऐप की सेटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पहले हम लोग सेटिंग की बात करते हैं ऐप की। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे आप उस ऐप पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको तीन काम करना है। पहला काम क्या करना है कि यहाँ पर जो लिखा है ना अपीयर ऑन टैप, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर इसके बाद जो इसमें जो ऐप होगा गेस्चर नाम उसका, उसको उस पर क्लिक करके उसको ऑन करना है, ठीक है? फिर इसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि यहाँ पर टेस्ट के लिए मतलब ऐसे ही कुछ भी यहाँ पर बना देना है, ठीक है? फिर इसके बाद लास्ट जो तीसरे नीचे आना, ठीक है, ओके वाला ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है, ठीक है? फिर इसके बाद ये ऐप अपनी जगह पर चला जाएगा। तो ये ऐप जो है वो रन करने लगेगा, ठीक है? तो आपको इसके बाद क्या करना है कि आपको इस ऐप पे क्लिक करना है, ठीक है? फिर इसके बाद सेटिंग वाला ऑप्शन में आइए। सबसे पहला वाला जो है मैनेज गेस्चर, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर इसके बाद जो आपने शुरू में टेस्ट के लिए यूज़ किया था ना, वो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है? तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर इसके बाद इसको डिलीट कर देना है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या है कि जो ऐड वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर बनाइए आई, फिर इसको आप एक नाम दीजिए, जैसे आप इसको इंस्टाग्राम नाम दीजिए, ठीक है? फिर इसको सेव कीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आप इसके थ्रू डायरेक्ट कॉल किसी को कॉल कर सकते हैं। दूसरा है लॉन्च ऐप, आप इसके थ्रू किसी ऐप को लॉन्च कर सकते हैं, किसी ऐप को खोल सकते हैं, ठीक है? और तीसरा है वेब लिंक, आप इसके थ्रू किसी भी वेब को डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी वेबसाइट को डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद वही वाईफाई ब्लूटूथ और भी नीचे सारा है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम लोगों को आई के थ्रू इंस्टाग्राम जो कि एक एप्लीकेशन है, तो हम लोगों को एक ऐप को खोलना है, ठीक है? तो लिखा लॉन्च ऐप, आप उस पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर इसके बाद इंस्टाग्राम को ढूंढिए, जब इंस्टाग्राम मिल जाए तो आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है? फिर इसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है? सेव करने के बाद आप बैक आ जाइए, ठीक है? फिर इसके बाद जो होम वाला बटन है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है? जो होम वाला बटन है बीच वाला, आपको उस पर क्लिक करना है, उंगली रखना है, ठीक है? फिर उस उंगली को ऊपर स्वाइप कीजिए, ठीक है? ऊपर स्वाइप कीजिए। तो जैसे ही आप होम वाले बटन पर अपनी उंगली को रखकर ऊपर की ओर खींचेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, ठीक है? इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको इस पर आई बनाना है, ठीक है? तो आपका जो ऐप है इंस्टाग्राम वो अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आप जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं, ठीक है? और वैसे जब आप धीरे धीरे इसके ऐप को यूज करेंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो ही जाएगा, ठीक है? तो अब बात रही डाउनलोड की, ठीक है? तो डाउनलोड के लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको उसमें भी क्लिक करना है तो आप प्ले स्टोर डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। कहते हैं आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस डाउनलोड कर लीजिए। तो हम इंस्टाग्राम फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।